सर बताइए क्या मामला भी है। सदर साहब और मेरी पुलिस ऑफिशियल सीपीओ की तरफ से एक नुमाइंदा भेजा गया था कि आप हमारे से गलती हो गई है और बड़ा ब्लंडर हुआ पुलिस से, इसको हम कंसोल करने की कोशिश करते हैं। 2 घंटे वहाँ पे मीटिंग रही है, सीपीओ अपनी हठधर्मी पे कायम है और उसका मौकफ ये था कि हमसे गलती हो गई है, फेस सेविंग के लिए बंदा आप रात को ले जाएं और सुबह जनाब हमें दे दें, हम इसको पेश करेंगे मैजिस्ट्रेट के पास और कहेंगे जी कि इनका रिमांड दे दिया जाए। इस बात को उन्होंने एडमिट किया कि बिल्कुल बंदा बेगुनाह था और हमारी पुलिस जिन्होंने आज गिरफ्तार किया, जिसमें एसपी मुतलका और सीपीओ इनका मुकम्मल हाथ था, इनका ये मौका है जी कि हमसे गलती हो गई, हमारे पास वो बेल ग्रांटिंग ऑर्डर नहीं थे। अब चूंकि मीडिया में आ चुका है कि बंदा गिरफ्तार हो चुका है, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते, इसके लिए हमें फेस सेविंग दी जाए। मैंने कहा जी जहाँ पे इंसाफ की बात हो वहाँ सिर्फ फेस सेविंग नहीं होती, सिर्फ इंसाफ की बात होती है या रूल्स की बात होती है। अगर वो बंदा गुनहगार है मुझे मिसल दिखा दें, हम सरेंडर कर जाते हैं, हम कानून को मानने वाले हैं। उस पर उन्होंने एडमिट किया कि हमने क्रॉस चेक किया है कि अदालत में वाकई ये ऑर्डर मौजूद थे, हमें मिस गाइड किया गया, मिस गाइड होने की वजह से हम गलती हुई है, इस गलती का मुदावा किया जाए, इस सूरत में कि बंदे को हम कल जुडिशियल भिजवा देंगे, आप बेल करवा लें, जिसपे हम नहीं माने। रात के लिए बंदा देने के लिए वो तैयार थे, सदर साहब और मैं वहाँ पे इकट्ठे थे, अजमल आदल साहब मेरे भाई हैं ये भी इकट्ठे थे वहाँ पे। हमने इस बात पे बिल्कुल अपने आप को सरेंडर नहीं किया, क्योंकि वकील का काम होता है कानून की पासदारी करना, अगर कोई गैर कानूनी काम हो वहाँ पे अगर कोई सरेंडर कर जाए तो फिर वकील नहीं होता। मैं बतौर वकील इस बात को मैंने नहीं माना और हम आगे हैं, बाकी कल अमल होगा। जहाँ पे वकला महफूज नहीं है वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो है मामला वो भी महफूज ना रहे। अगर ये गैर कानूनी काम करेंगे, गैर कानूनी काम का आजकल कानूनी तरीके से कोई हल नहीं है, उसका हल सिर्फ गैर कानूनी तरीके से ही है। पूरा एहतजाज करेंगे, पहली कोशिश करेंगे कि कानून के ताबे एहतजाज किया जाए। अगर कोई इन्होंने होछा हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो जो जोरे बाजू पे पूरा एहतजाज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।